सर ऐसा हुआ था, शाम के टाइम मेरा भाई गया था वहाँ पर, मतलब फैक्ट्री जा रहा था वो, तो उसके सर में मारी पहले चोट डंडे से। फिर मेरे पिताजी गए समझाने के लिए कि यहाँ भी क्यों मारी चोट, तो उन्हें उसका उनका सर फाड़ दिया और हत्या कर दी उनकी। फिर हम सबों को मारा उन्होंने। कौन लोग हैं, किस बात पे लड़ाई हुई, क्या क्या विवाद था? ऐसा था सर, वो जैसे जो हमारे यहाँ एक वो होता है त्यौहार, पग्गार बोलते हैं उसे, तो वहाँ मेरा भाई टायर जला रहा होगा, तो उनने पहले गाली दी, जो मतलब जो जिसने मेरे पिताजी को हत्या की उनने पहले गाली दी, तो मेरे भाई ने भी गाली दी होंगी, तो उनके जो पिता थे वो फौरन लेके डट गए, जो उसका भाई था वो डंडा लेके डट गया, फिर उसके लात घूस मारी, फिर हम लोग समझाने के लिए पापा मारे तो उनको मार दिया। थाना सिबीगंज के अंतर्गत एक ग्राम नंदोसी है, जहाँ पे कल रात लगभग 8 बजे के आसपास में ओमकार, सूरज, उपराम इत्यादि लोगों ने धीरज, नीरज, राम बाबू, रूबी और उनके परिवार के कुछ लोगों पे लाठी डंडे से वार किया, जिसके चलते राम बाबू को काफ़ी गंभीर चोटें आई। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई और जो भी लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको जिला अस्पताल लाए गए। जिला अस्पताल लाने के बाद में जो राम बाबू हैं उसे मृत घोषित कर दिया गया, बाकी 4 लोगों का प्राइमरी मेडिकल करके उन्हें भेज दिया गया। अभी एक व्यक्ति जिसका नाम मुनीस है वो जिला अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति सही है, वो आउट ऑफ डेंजर है। जो भी व्यक्ति इसमें नामजद कराए गए, 8 लोग नामजद कराए गए हैं, थाना सिबीगंज का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें से कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोग जो गिरफ्तार नहीं हैं उनको हमने टीम बनाकर अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और इसमें अग्रिम कार्रवाई की सुनिश्चित करेंगे। Thank you.